हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे रिंकी फूड ब्लॉग्स में। तो आज हम बना रहे हैं बादाम मिल्क शेक। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सभी जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए कि बाजार से आप मिल्क शेक बन पीना भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। आप सब भी चलिए हमारे किचन में। हमने गैस ऑन कर दिए और कढ़ाई रख दिए गैस पर। इसमें 2 चम्मच पानी डाल रहे हैं ताकि हमारा दूध नीचे ना पकड़े। 1 लीटर दूध लिए मैंने, ये नॉर्मल दूध है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फुल फैट दूध ही लीजिए आप, ये फुल फैट दूध नहीं है हमारा। ऐसा हाई फ्लेम पे ही दूध को खौलने देते हैं। इस तरह से हम गर्म पानी में बादाम को भिगो दिए थे, ऐसा छिलका निकाल ले रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट बादाम को भिगो दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम बादाम का छिलका सारे उतार लेंगे। अब एक मिक्सी का बाटी ले रहे हैं। देखिए दूध को बीच बीच में हम चला दिया करेंगे। ये थोड़ा सा दूध को हम निकाल ले रहे हैं कटोरी में। अच्छी तरह से दूध को खौलने देते हैं। अब हम जो बादाम छील कर रखे थे उसे मिक्सी के बाटी में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। अब इसमें 4 से 5 इलायची हम खोल कर इसका दाना डालेंगे। इलायची के दाने फ्रेश डालने से फ्लेवर अच्छी आती है। अब 5 चम्मच हम चीनी डाल रहे हैं, छोटा चम्मच है। इससे ज़्यादा चीनी मत डालिए तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसमें थोड़ी सा पानी, 2-3 चम्मच पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। एकदम महीन पेस्ट बनाएंगे। और जो हम दूध निकाले थे उसमें 1 छोटा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर लिए हैं हम। ज़्यादा वनीला कस्टर्ड पाउडर मत लीजिएगा, नहीं तो हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा। अब आप फ्लेवर ज़्यादा आएगा कस्टर्ड पाउडर का, तो बस 1 छोटा चम्मच ही लीजिएगा। देखिए दूध हमारा अच्छी तरह से खौल गया है। अब जो बादाम पीस कर रखे थे उसे हम डाल दे रहे हैं। हमने 1 लीटर दूध लिए थे, हमने 1 लीटर दूध में हमारा 3 पाव दूध बच गया है, इतना हमारा दूध पक चुका है। अब जो वनीला कस्टर्ड पाउडर था जो घोल बना कर रखे थे उसे थोड़ा थोड़ा डालकर हम चलाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स बन जाएगा। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। देखिए इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि जो पाउडर कस्टर्ड पाउडर डाले हैं इसे बराबर नहीं चलाएंगे तो नीचे लग जाएगा। इस तरह से किनारे किनारे पर जो मलाई जमी है उसे निकालते रहेंगे। देखिए उबाल आ गई अच्छी तरह से। हमारा दो मिल्क शेक अच्छी तरह से पक गई है, तो गैस को बंद कर देंगे। ऐसे ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होगा। तो गैस को बंद कर दिए हैं, इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर कर ले रहे हैं। ऐसे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए बाहर रूम टेम्परेचर पर आने देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। चलिए 1 घंटा हो गया है तो इसे हम सर्व कर ले रहे हैं। देखिए मलाई पड़ गई है, इसे इस तरह से मैश करते हुए चला लेंगे। चलिए इसे सर्व कर ले रहे हैं। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। देखिए इस तरह से हम सारे मिल्क शेक को सर्व कर लेंगे। आई गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा मिल्क शेक बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो आप सब भी जरूर बनाइए और अपने बच्चे और बड़ों को पिलाइए, बहुत पसंद करेंगे। ये थोड़ा हम बारीक कटे हुए पिस्ता से सजा दे रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप सब चाहें तो डालिए, नहीं तो ना डालिए। थोड़ा सा गुलाब के पत्तियों से हम सजा दे रहे हैं। तो आप सब भी जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए, कॉमेंट कीजिए कि आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लग